हरीश रावत का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी हो रही है कमजोर, कांग्रेस का फॉर्म इस समय है डाउन। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा, हम रिगेन कर लेंगे उसका, हम देश के लोगों का। काशीपुर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में हुई बगावत, हरभजन सिंह चीमा के बेटे के टिकट को दिए जाने पर नाराजगी सामने आई, कई बड़े नेताओं ने इस्तीफे की धमकी दी। अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट, हाल ही में भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना, कहा जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वो उसे बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही लिखा अमर जवान ज्योति की याद में इस बार 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर जलाएं ज्योति, 26 जनवरी को संकल्प उठाएं अमर जवान ज्योति फिर से जलाएं। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किया नमन, उनकी प्रतिमा पर चढ़ाए फूल, संबोधित करते हुए कहा नेताजी को भारत की स्वाधीनता से था प्यार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, ट्वीट कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, ट्वीट कर देश उन्हें और उनके जोशीले शब्दों को याद करता है ये लिखा। तीस जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, इस बार 11 बजे की वजह से 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत, गांधी जी की पुण्यतिथि के कारण कार्यक्रम में बदला। अमेठी में टीईटी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहा था नकल, अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज का मामला। यूपी में टीईटी एग्जाम से कई विद्यार्थी वंचित रह गए, हापुड़ में परीक्षा से वंचित रहे कई छात्र छात्राओं का सेंटर पर ही फूट फूट कर रोना आया सामने। अमेठी में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचना परीक्षार्थियों को पड़ा महंगा, स्कूल प्रशासन ने मना करने पर केंद्र के बाहर रोने लगी महिला परीक्षार्थी, कई महिला परीक्षार्थी नहीं दे पाई परीक्षा। कानपुर देहात में कुछ अभ्यर्थी नहीं दे पाई टीईटी परीक्षा, परीक्षा देने आए छात्रों को केंद्र व्यवस्थापक और प्रिंसिपल पर लगाए आरोप का, दस्तावेज होने के बावजूद परीक्षा देने से रोका गया।